नदी में ये क्या बह रहा है? मेरा बेटा, छोटा अप्पू, बेटा। अप्पू, छोटा अप्पू, मेरा बेटा। अप्पू, छोटा अप्पू, बेटा। छोटा अप्पू जिसने बुलाया वो इसके माँ बाप होंगे। कुछ तो हादसा हुआ है। अरे बाबा, वो बच्चा तो अभी नीचे गिरने वाला है। किसी भी तरह उसे बचाना पड़ेगा। बहुत ही जल्द मुझे जंगल में पहुंचना होगा। हमारा वैद्य अभी तक क्यों नहीं आया? वो अभी आ जाएंगे, फिकर करने की जरूरत नहीं। उधर देखो, चिंबन वैद्य आ रहा है। इसके इलाज करने के लिए वो पीला पंछी आएगा। वहां देखो, पीला पंछी आ गई, पीला पंछी आ गई। हाँ, ये तो आ गई। ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी ने इसे छोटा अप्पू बुलाया था। इसके माँ बाप शायद कोई हादसे में मर गए होंगे। हमारे राजा के सुख और देखभाल के लिए, हमारे राज के अहम हिस्सा, दुश्मनों के सामने हमारे युद्ध जीतने के लिए, इस मनुष्य के लिए इंतजार कर रहे थे हम छोटा अप्पू। इसकी देखभाल हमें बहुत अच्छी तरह करने वाले हैं। हम इसको सिखाएंगे जंगल के सारी पैतरे। यही हमारा रक्षक होगा। छोड़वन और अधिराजा दोनों वापस मिलेंगे। इसके कारण छोटा अप्पू हमारा सर्वरक्षक होगा। इसके देखभाल के लिए हमसे हर एक सब कुछ त्याग करेगा। सब कुछ इसके लिए करेंगे। छोटा अप्पू हमारा रक्षक अप्पू, छोटा अप्पू हमारा अप्पू, हम सब कुछ बताएंगे। मेरे दोस्तों, आपसे हमारा सारा वत इसलिए होगा। हम ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चा दुश्मन के हवाले ना आए। हाँ, आओ बेटे। चिंबन भाई, आप महान है। चिंबन भाई, आप महान है। मुझे अभी एक और काम है करने के लिए। मैं आज ही ईहा गुहा में जा रहा हूँ। ईहा औषध को निर्माण करने का समय अभी आ गया। 6 साल के कठिन प्रयत्न इसके लिए बहुत ही अवश्य है। ये बहुत ही मशहूर औषध है, इसलिए इसको बनाने में वक्त लगता है। जो भी मानव ये औषध खाएगा उसको 100 हाथी का ताकत मिलेगा, सबसे ताकतवर होगा। हमारा दुश्मन हम में से हर एक को मारेगा। इसका उपाय मुझे पता नहीं,
हमारा छोटा अप्पू बड़ा बनने तक हम सब भरोसे से इंतजार करेंगे। तब तक हम सबको सुरक्षित रहना पड़ेगा। अरे यार, ये पानी तो बहुत ठंडा है। गर्म आने के बाद मैं आता हूँ। तू तो बहुत ही आलस निकले। अरे वाह, तू अच्छी तरह से स्विम कर रहे हो। किधर हो छोटा अप्पू, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? छोटा अप्पू तू किधर है? छोटा अप्पू
जब तक तुम होश में आ जाओगे मैं उस सुअर को पकड़ के आ जाऊंगा। तुम वहीं रुको। अरे सुन, तू कहीं भी हो मैं तुझे आके पकड़ लूंगा। तुमने सोचा कि मैं तुमसे बच के भाग जाऊंगा? तुम मुझे कभी भी पकड़ सकते हो। अगर मैं भागूंगा तो तुम पकड़ोगी नहीं। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। इतना छोटा बच्चा मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझसे हमेशा पंगा मत लेना। हम चलते हैं। अरे हमने क्या आवाज सुना? हाँ, हमने जो भी सुना वो सच है। मेरे सामने वो इतना बड़ा कैसे बन गया? ऐसा एक अनुभव मेरे लिए पहली बार है। उसे छोड़ना नहीं, मुझे वो जिंदा चाहिए। ऐसी आपकी आज्ञा, हम उसे जिंदा पकड़ के लाएंगे। हम उसे जिंदा पकड़ के लाएंगे। मैंने कर दिखाया है, यह औषध मैंने बना लिया है। अभी मैंने इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटा अप्पू अब सर्व रक्षक बनेगा। बहुत साल बीत गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत ही जल्दी मुझे हमारा छोड़ा वन हम सब का अपना बनेगा। हमारे दुश्मन को मारने का वक्त आ गया है। हमारे अच्छे दिन वापस आने वाला है। किधर गया हमारा छोटा अप्पू? अप्पू आ रहा है, छोटा अप्पू आ रहा है, अप्पू आ रहा है, छोटा अप्पू आ रहा है, अप्पू आ रहा है, छोटा अप्पू आ रहा है, अप्पू आ रहा है, छोटा अप्पू आ रहा है। मैंने जो सोचा था उससे भी स्मार्ट हो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कठिन परिश्रम नाकाम ना हो। मैं आपसे मिल
मिलने का इंतजार कर रहा था। मैं हम सबका सारी कठिनाइयां दूर करूंगा। अभी राजा और चौला पर हमारी होगा। हमारा होगा हमेशा के लिए। यह औषध अप्पू को देना पड़ेगा। हम सबको अभी आयुध गुहा जाना पड़ेगा। देखो वही है आयुध गुह। पहले अप्पू जाके वो दरवाजा खोलेगा। हम सभी तुम्हारे पीछे आएंगे। ठीक है, मैं पहला जाऊंगा। अप्पू मेरे बेटा संभाल के जाओ। बहुत सही हुआ। अब सब लोग इसके अंदर आएंगे। ये देखो यही है यीहा औषध। यह मैंने पप्पू को दूंगा। इसके बाद मेरा काम खत्म होगा। अप्पू मेरे सारे ताकत और दिमाग मैंने इसमें डाला है। ये तुम्हें पीना होगा। हमारे दुश्मन को मारने ताकत सिर्फ तुम्हें मिलेगा। इसके अंदर हमें जितना भी आय चाहिए वो सब मौजूद है। अरे वाह, इतने सारे आयुध। हाँ, अब तू पंछी की तरह उड़ भी सकते हो। इसके लिए तुम पहले छोला बन जाके वो ईहा की पेट जो हमारे दुश्मन ने लिए थे वो वहाँ से उठा के वापस इधर लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं अब ये करके दिखाऊंगा। अप्पू आ रहा है, छोटा अप्पू आ रहा है। बहुत अच्छा किया। मैंने जो सोचा उससे भी बहुत ताकतवर बन गए हो तुम। तुम हमारे सौभाग्य हो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही ईहा की पेड़। हमारे दुश्मन ने यही ईहा की फल का के ताकतवर बने। वो भी हमारे जैसे ही जानवरी थे। ये फल खाने के बाद वो और ताकतवर बन गए और बहुत ही बुरे बन गए। ये पेड़ इधर ही रहना पड़ेगा, तभी हम सब सावधानी से जिएंगे
और ताकतवर बनेंगे। हमको कभी भी इसका फल खाना ही नहीं चाहिए। ये पेड़ हमारा सौभाग्य है, हमें इसको देखभाल करना होगा। यहाँ का पेड़ किधर गया? महाप्रभु, हमारे ईहा का पेड़ गायब हो गया है। क्या क्या बोला? क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब कौन कर सकता है? किसने किया होगा ये? किसी के पास भी इतना ताकत नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे जानना होगा। जाओ जल्दी। अधिराज, तुम्हारा मरने का समय आ गया। तुम्हें इसके अंदर मैंने सालों से बरसों से रखा है। हाँ, अभी तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ। हो, 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 हो। तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं है महादुरी। ये सब बातें मुझे डराएंगे नहीं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा महादुरी। मेरे बेटे आएंगे, तुम्हें तलाश कर आएंगे, तुम सिर्फ इंतजार करो। तुमने सही कहा, तुम्हारा बेटा मुझे ढूंढ के आया है। ईहा वृक्ष को इधर से लेके गया है वो। क्या सोच के रखा है उसने? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जल्द ही उसको पकड़ लूंगा, तुम तैयार रहना। क्या कहा? तब तो तुम तैयार रहो महादुरी। हमें शक्ति मिल गई है, ये उसी का परिणाम है। मेरे लोग बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे। नहीं अधिराज, वो कभी नहीं होने वाला है। तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे कोई नहीं छू सकता। इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं छू सकता। तुम बस ऐसे ही सोचते रहो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भला करे। जैसा हमने सोचा था वैसा कोई यहाँ पे आ चुका है। जल्दी ही जाके अप्पू को बताना पड़ेगा, बाकी सब उसके बाद सोचेंगे। अप्पू, अप्पू! अप्पू! अप्पू, हमारा ईहा का पेड़ चोरी करने के लिए कोई दूरी आया है। देखे है कौन लेके जाता है। कभी नहीं दूरी, कभी नहीं। तुम वो लेके जा नहीं सकते हैं, वो मैंने रखा है। तुम्हारा वक्त बर्बाद मत करना। अरे तुम तो सिर्फ एक बच्चा हो, तुमको पता नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। मुझे पता है, तुम जानते नहीं हो तुम किसी से पंगा ले रहे हो। तुम्हारा दुश्मन हूँ मैं। तुम्हें इतना गुरूर, मैं तुम्हें मारूंगा।
इसके बदले में कुछ करना पड़ेगा। अभी के अभी कोई इंतजार मत करना, सबके सब हथियार लो। वक्त आ गया है उनको दिखाने के लिए। कल उन सब में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ना जल्दी करो। अभी वो इंतजार ना करेंगे, वो आएंगे। अभी उनको इंतजार नहीं करना है, हमारा जंग लड़ना टाइम आ गया। हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। जीत हमारी होगी, अच्छे दिन आएंगे, हम सब एक साथ जिएंगे। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सबने मुझे पाल पोस के बढ़ाया है। तुम्हारे लिए मैं ये जंग अकेला लड़ूंगा। मुझे आशीर्वाद करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। मेरा शक्ति के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। बहुत ही जल्द हम हमारा आदिराज को वापस मिलेंगे। उसके लिए तुम सब मुझे जाने दो, मैं ये जंग जीत के आदिराज को वापस इधर ही लेके आऊंगा। मेरे साथ लड़ने के लिए सारे एक साथ आए हैं। आप सब किधर जा रहे हो? तुम्हारे पास ही आ रहे थे, तुम तो एक बच्चे हो, बाकी सब कहाँ हैं? मैं इधर हूँ ना, पहले मुझसे लड़ो, उसके बाद बाकी सबके साथ लड़ूंगी। तुम्हें मारने के लिए? हा, 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 हा। सिर्फ मेरा ये नाखून काफी है। फिर तुम करो ना, क्यों खड़े हो? कौन तुम? तुम कैसे इधर तक पहुँचे? मुझे तुम तक आना था, इसलिए मैं आया। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे साइन तुम्हारे पास आया है तुमसे झगड़ने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए। मुझे सब पता है। हाँ, फिर भी तुम में इतना घमंड। मेरे साइन ने तुम्हारे लोगों को अब तक मार दिया होगा। हा, 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 हा। तुम्हारी बदकिस्मती महादुरी, जो लोग मर गए वो तुम्हारी लोग है। कौन है वहाँ? आके इसको मारो। कोई भी नहीं आने वाला महादुरी, सिर्फ तुम ही बाकी हूँ। हमारा राजा किधर है? तुम तो बस एक छोटे बदमाश हो, तुमने क्या सोचा मुझसे लड़ोगे? हाँ ये देख लो।
आदि राजा, ये मैं हूँ छोटा अप्पू। मुझे पता था तुम आओगे, मुझे तुम्हारा इंतजार था। आइए महाराजा, घर चलते हैं। आइए, बहादुरी कुछ नहीं करेगा। मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए उन्हें मिलके। चलो जल्दी चलो। अरे अप्पू, महादुरी कहाँ है? वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ, वो इधर नहीं है। ऐसा है तो हमें होशियार रहना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं करूँगा, मैं करूँगा, घबराइए मत। अब चलिए मेरे साथ। अप्पू संभाल के उस महादुरी को ढूंढो। हाँ, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? महादुरी, तुम्हें और कुछ साल जीना है तो कुछ मत करो, अभी फिर तुम पछताओगे। महादुरी, तुम बहुत ही बुद्धू हो, तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते मुझे। मुंह बंद कर, तेरी तो। उसे मत छोड़ना। मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हारा। अच्छा किया अप्पू, बहुत अच्छा, अब से ये हमें तंग नहीं करेगा। छोटे अप्पू, तुमने हम सबको बचाया है। चोलावन अब हमारा हो गया है हमेशा के लिए, तुमने कर दिखाया। अधिराज, इस भूमि में बुराई के साथ लड़ने वाला बहुत लोग है, जिधर भी ऐसे लोग होंगे उनके पास मैं जाऊंगा और उनका मदद करूंगा। सच्चाई के साथ मैं हमेशा रहूंगा, आपका सहारा मुझे चाहिए हमेशा। जरूर, अब आओ हमारे लोगों से मिलते हैं।
हमारे आधीराज और पप्पू ने अभी तक आए क्यों नहीं? उनको शायद कुछ हुआ तो नहीं है? हमें भी उनके साथ जाना चाहिए था जंग लड़ने के लिए। किसी को कुछ सोचने को जरूरत नहीं है, वो आएगा आदिराजा के साथ। वो देखो आदिराज और अप्पू आ रहे हैं, चलो उनका स्वागत करें। मुझे आप सबसे एक बात कहना है, छोटा अप्पू के सहायता के साथ हमने जंग जीता है, हमारा अच्छा दिन वापस आ गए हैं, हमारे राजा अति राजा वापस आ गए हैं, उनके साथ हमें भी आजादी मिल गई है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ आप सब से मिलके। इसका कारण है हमारे प्रिय अप्पू। अप्पू का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सब ने इसे पाल पोसकर बड़ा किया, और चिंबन वैद्य को भी मैं शुक्रिया कहता हूँ। हमारे चोलावन का राजा आज से अप्पू होगा। अब जितना भी प्यार मुझे दिया है उस सबके लिए मैं आपसे एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इस देश के राजा नहीं बनना चाहता हूँ। हमारा राजा हमेशा आदि राजा है, वो हमारा साथ है। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, लेकिन जिधर भी बुरी चीजें होगी मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे लड़ूंगा मैं, वो वहाँ पे अच्छाई लेके आऊंगा। मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ, उसके लिए तुम लोगों का सहायता मुझे चाहिए। सिर्फ वही नहीं, मैं चाहता हूँ मैं अपना माता और पिता को ढूंढूंगा। मैं कैसे इस वन पे यहाँ पहुँचा, इसका कारण कौन कौन है, मेरा माता और पिता को क्या हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। खरू को कुछ इसी से बहुत अच्छा पता है, उसने मुझे बताया था एक बार। मैं भी तुमको बताऊंगा छोटा अप्पू, लेकिन अब नहीं, बाद में बताएंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।